दोस्तों, तो हम यहाँ पर हाथी पावा आए हैं आज। हाथी है तो दोनों आ रही है। अभी हम यहाँ पर हाथी पावा में सनसेट देखने के लिए जा रहे हैं। साथ में हमारे कुंदन भाई हैं, मैं हूँ, पीछे पलक और मनीष भैया बैठे हैं साथ में। तो दोस्तों, फाइनली हम ये हाथी पावा आ चुके हैं। मैंने बताया ही था आपको इससे पहले वाली क्लिप में कि हम हाथी पावा भी जाएंगे, और इससे पहले आपको देवगिरी भी हमने विजिट किया है, करवाया। बहुत मस्त प्लेस है हाथी पावा, यहाँ से पूरा सनसेट व्यू दिखता है। दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, और यहाँ पर पूरा ट्राइबल एरिया है। नीचे यहाँ पर पूरे आदिवासी लोग जो हैं, उनका घर मतलब पूरा गांव बसा हुआ है। अलग अलग पहाड़, पर्सनल पहाड़ होते हैं इनके पास। हर एक पहाड़ में एक आपको घर दिख जाएगा, और साथ में खेती। ये हमारे कुंदन भाई फोटो शूट करते हुए। आगे मोर देखने को मिली है मनीष भैया हमारे। सब मोर देखने के लिए मोर देखो, वंस मोर। वंस मोर। हाँ, मैंने थोड़ा हेयर कट करवा लिया इससे पहले वाले ब्लॉग में, बड़े थे बाल, छोटे हो गए। तो दोस्तों, यहाँ का ब्लॉग हुआ पूरा। यहाँ से अब हम जा रहे हैं, सनसेट हो चुका है पूरा। सनसेट पूरा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। कुंदन भाई हमारे, मनीष भैया, और वो पलक। और ये है हमारी ब्रांड न्यू होंडा अमेज, जो कि अभी एक डेढ़ महीने पहले ही मनीष भैया ने लिए बीस दिन पहले ही लिए। हाँ, चलते हैं। आज हमारा कड़कनाथ तो ड्यू रह गया है, क्योंकि आज 11 से, और भैया की पूरी गाड़ी को हमने पूरा टेस्ट ड्राइव ले लिया है। आज कुंदन चलाएगा होंडा में इसको, मैंने तो ले लिया, बहुत मस्त गाड़ी है। मतलब कि बढ़िया ऑफ रोडिंग भी बढ़िया हो गई इसमें। टोटल कितने के लिए, क्या प्राइस के लिए मनीष भैया? 8 में लिए, बढ़िया, लॉकडाउन खुलते ही।
हैं कड़कनाथ के फर्म। ये मेरे बड़े पापा इसी में हैं, मतलब इसी डिपार्टमेंट में वेटनरी डॉक्टर हैं। अच्छा खासा एरिया फैला हुआ है। वो पेड़ उखड़ गया क्या ये? और वहाँ पर जड़ से ही तो उखड़ गया है। देखने लायक है। कुछ टाइम पहले वो आया था ना, कौन सा यास तूफान, उसका है। सो हेलो गाइस, फाइनली ड्यू था जो अब मिल चुका है, ले जा रहे हैं 1.25 किलो, दबा के खाएंगे और क्या। प्रोटीन का राजा है कड़कनाथ, पूरा काला रहता है अंदर से भी और बाहर से भी, अच्छी ब्रीड है ये पूरा। आप देख रहे हैं जैसे ये पूरा ये वेयर हाउस इन सब में बड़े बड़े हैं, गवर्नमेंट की फार्म है टोटली। विराट कोहली और धोनी जी हैं, उनके लिए भी यहीं से जाते हैं कड़कनाथ। बड़ापन दिलवा दिए, बड़ापा यहाँ के वो हैं, पहले रह चुके हैं यहाँ के इंचार्ज। वेरी वेरी इमैक्यूलेट मॉर्निंग गाइस। तो हम मॉर्निंग पे निकल रहे हैं सन राइज देखने को, शाम को सनसेट देखा था तो अब सनराइज भी दिखा दें। बहुत अच्छी प्लेस है, वहाँ लेके जाएंगे आपको। कुंदन भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वैष्णो माता जी तेरी। वैसे तो दोस्तों सनराइज हो चुका है, बट थोड़ा लेट हो चुके हैं हम, आधा घंटा लेट हो चुके हैं। चलो कोई नहीं, आपको जगह तो दिखाते हैं, जगह बहुत प्यारी जगह है वो जहाँ हम जा रहे हैं। तो देखिएगा अभी ये क्या है, क्या पता है कौन सा मोर है, मोर नहीं है ये, पता नहीं कोई सा है, इसको भी बना के खाते हैं ये। अच्छा तो पता नहीं क्या है वो चीज, कुछ अलग ब्रीड है वो। क्यों आंटी वो आगे है क्या, तालाब तालाब वो नदी 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 से? पानी पानी सीधा चलो सीधा। इनको है ना अपनी भाषा भी समझ नहीं आती है। क्यों इसके आगे रास्ता नहीं बंद है? चलो ठीक है। देसी की देसी रखे। चलो इधर लेफ्ट लेके हो जाएगा ना, थोड़ा गाइस हम गलत जगह आ गए हैं।
इसके लिए हमें बहुत ही खेद है। इस बच्चे से पूछ लो। अरे इनको भाषाएं नहीं आती अपनी, हिंदी नहीं समझ में नहीं आती इनकी, भाषा ही अलग है। उस साइड में देख, तू मैं देखता हूँ पीछे। दोस्तों थोड़ी गलत जगह आ गए थे, इसके लिए बहुत ही खेद है। एकदम टोटली हम ये ट्रेबल एरिया के घरों में चले गए थे, फिर भी ये भी देखिए आप, बहुत अच्छी जगह है। नहीं, यहाँ के जो कल्चर वगैरह है, प्योर ट्रेबल एरिया में आ गए। दोस्तों हम जा तो रहे थे सनराइज देखने, मगर वो क्या, वो जगह मिल नहीं पाई। यहाँ पर क्या एक भैया रहते हैं लोकल के ढाबा के, अगर वो साथ में होते तो बिल्कुल ही दिखाते आपको जगह। रास्ता हम भूल चुके हैं, थोड़ा मिले ही नहीं। वो कौन सी प्लेस थी विजिटिंग प्लेस थी वो भैया? एक्चुअली क्या है, वो इंदौर जा चुके हैं, इसी वजह से हम मिल भी नहीं पाए, उनसे ही मिलना है। जो देख रहे हो यहाँ का इलाका, राम 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 राम, ट्राइबल एरिया है पूरा। सो हेलो गाइस, हम जैसा कि मैंने बोला था, हमको रास्ता मिल नहीं रहा था। तो कौन सा मंदिर है भैया? पारा में है। कौन सा माता जी का मंदिर है? पारा साइड को कॉल किया, वीडियो कॉल किया, तो उन्होंने हमको वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा रास्ता बताया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का। अभी भैया इंदौर है, तो इंदौर से डायरेक्ट वीडियो कॉल के जरिए बात हो रही है। वो सामने देख ही रहा होगा, फुल देख रही है, वहाँ पर जाना है हमको टॉप पे। इससे जो नेक्स्ट वाला जो ब्लॉग बनेगा हमारा, इंदौर में बनेगा। इंदौर में बहुत प्यारी जगह है, कुंदन ने बताया मुझे। कौन सी जगह कुंदन? हो महादेव मंदिर। महादेव मंदिर करके बहुत बढ़िया विजिटिंग प्लेस है, अच्छी ट्रैकिंग एरिया है। रिसोर्ट के आगे चोरल रिसोर्ट है वहाँ के, उसके आगे है, तो बढ़िया जगह है। तो वो भी आपको विजिट कराएंगे कल हम। पूरा इतना नेचुरल प्लेस है वो, पूरा ट्रैकिंग एरिया है। ये राइट लेना है यहाँ से, राइट सीमेंटेड रोड। हाँ सीमेंटेड रोड। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया प्लेस है, कितना शानदार पाथ है, व्यवस्था है। इधर बहुत ऊपर चढ़ाई भी है अच्छी, थोड़ा टाइम जरूर लगा हमको यहाँ पहुँचने में, बट पहुँच गए हम भटकते भटकते। एक मेरे भैया का कॉल आ रहा है ऑफिस से। हाँ भैया, मिल गया ना? ये देखो आ गए प्रॉपर सही साइड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है ना? ठीक है, ओके भैया। कल का प्लान फिर डन करते हैं। तो कल का प्लान डन करते, कल चलते महादेव, है ना? सुबह सुबह निकलेंगे, सुबह सुबह 5 बजे करीब, है कि नहीं? ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी थोड़ा सा मतलब निकलेंगे। 7 बजे तक चलते हैं। वो मोर कितनी बढ़िया थी ऊपर, वो कितनी मोर है, वाह। चलो ठीक है, ठीक है जी, जय श्री माता जी। मतलब कि जो झाबा जो है पूरे एमपी में सबसे ज़्यादा मोर यहीं पाई रहती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत प्यारी ये प्लेस है, ये पारा के पास में माता जी का मंदिर है, टेकरी है, बहुत ही नेचुरल प्लेस है। देखिए आप, कंस्ट्रक्ट भी कर दिया एरिया उस टाइम पे, इतना कुछ बनाया हुआ था।
वृक्षारोपण भी किया है। देखिए गाइस कितनी प्यारी प्लेस है, आपको वहां से दिखाते हैं व्यू पूरा। दोस्तों ये पूरा सनराइज पॉइंट है, यहाँ से पूरा सूर्य उदय का पूरा जो नज़ारा है वो देखने को मिलता है। देखिए क्या नज़ारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो दोस्तों बस यही लास्ट प्लेस थी यहाँ की विजिटिंग प्लेस, पारा के जस्ट पास ही है माता जी की टेकरी है, ये मंदिर है माता जी का। बाकी बहुत बढ़िया प्लेस है, कभी झाबुआ आए तो इस प्लेस को जरूर विजिट कीजिएगा। थोड़ा दूर है, मतलब कि झाबुआ से कम 10 किलोमीटर की दूरी होगी इसकी डिस्टेंस जो है। बाकी आप सुबह सुबह जल्दी आएंगे तो पूरा एकदम धुंध वाला इलाका दिखेगा यहाँ पर, ड्यू एकदम प्रॉपर। सो ठीक है गाइस, अब ये लास्ट जो थी प्लेस थी आपको मैंने विजिट किया करवाया, तो अब देखते हैं नीचे जा कर के। जाते टाइम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग में टाइम लैप्स बना देंगे जिससे कि और अच्छा व्यू दिखेगा आपको। बाकी बहुत शानदार प्लेस है झाबुआ की, सबसे बढ़िया विजिटिंग प्लेसों में सबसे बढ़िया प्लेस ही है। और पूरे एमपी में सबसे ज़्यादा मोर यहीं पाई जाती है। देखिए कितनी मोरों की आवाज आ रही है, मोर एंड मोर, मोरी मोर है बहुत सारे, सब मुझे चिल्ला रही है, मयूर मयूर बोल रहे हैं, मयूर 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 हमें भी लो, हमको भी लो। इसी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पता है देख भंवरे, ठीक है दोस्तों फिर आगे का दिखाते हैं आपको सीन क्या है। टॉप के जो 3 प्लेसेस है झाबुआ में वो हमने आपको विजिट करवा दिए, बहुत ही शानदार है। देखिए आप मोर कितनी सारी ऊपर चले गई,
जो विजिटिंग प्लेसेस हैं तो जो भैया हैं वो यहाँ है नहीं, इंदौर हैं, तो वो साथ होते तो और अच्छे से कवर करते झाबुआ के जो आसपास के विजिट प्लेसेस हैं। बाकी ओके गाइस, फिर यहीं पर ही ब्लॉग को एंड करते हैं। झाबुआ का जो भी जितना भी आपको एरिया कवर किया है, सो कल मिलते हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉग हमारा रहेगा इंदौर में ही रहेगा, महादेव नाम से एक है प्लेस अच्छी, वहाँ पर आपको और अच्छे नेचुरल प्लेस देखने को मिलेगा। मतलब टोटली ट्रेकिंग एरिया है वो, और 300 ज़्यादा वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, चढ़ाई भी है अच्छी खासी। तो कल हमारे साथ जो जाने वाले होंगे कुंदन भाई, मैं और एक जो इंदौर में है ऑलरेडी भैया वो, और एक और शिवम भाई हैं, तो चार लोग जाएंगे। लेटेस्ट